नमस्कार। आज हम IPHI के छात्र आप सबके समक्ष पेशेंट सेफ्टी डे के दिन एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका विषय है IPSG यानी इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स। पहला दृश्य जिसमें चिंटू नाम के दो पेशेंट हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। ब्रदर यस मैम, चिंटू नाम के पेशेंट को मेडिसिन दे। ओके मैम। आप में से चिंटू कौन है? मैं। चिंटू शर्मा? मैं। आपका बैड नंबर क्या है? 21। मैं आपके लिए दवाई लाया था। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ब्रदर। यस सर। ब्रदर ये कौन सी मेडिसिन दे दी मुझे? जो आपकी मेडिसिन लिखी हुई थी मैंने आपको, तो शायद दूसरी मेडिसिन दे दी है, बहुत ज्यादा कुछ भी हो रही है। ओके सर, आप दो मिनट वेट कीजिए, मैं आपको देख रहा हूं। मैम आप मेरे साथ चलिए, एक पेशेंट की प्रॉब्लम हो रही है। यस सर। मैम इसने पता नहीं कौन सी मेडिसिन दे दी है मुझे, बहुत ज्यादा कुछ भी हो रही है। डोंट वरी का क्या करूं? ठीक है, जो भी करना है वही करो। चिंटू शर्मा को मेडिसिन दी। किस बेसिस पर? बेड नंबर दे। आपने उनकी HIV चेक की? नो मैम। क्यों? आगे से ध्यान रखूंगा। सॉरी। ठीक है, ध्यान। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा, पेशेंट को गलत मेडिसिन देने का असर। तो यही है हमारा पहला गोल, आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली, जिसमें हम पेशेंट की पहचान के नेम, UHID नंबर और उसकी फेस शीट से करते हैं। दूसरा दृश्य। सर हमारे पास एक इमरजेंसी केस आया, प्रिंटू शर्मा नाम का, जिनकी UHID 567। यहाँ पर इस बार के एक आई का प्रयोग हुआ है, यानी कि आइडेंटिफाई। क्या हुआ उसे? सर उनके सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर इस बार के एस का प्रयोग हुआ है, यानी कि सिचुएशन। पहले भी कोई उसे बीमारी थी? हाँ सर, उसे 3 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम है। यहाँ पर इस बार के बी का प्रयोग हुआ है, यानी कि बैकग्राउंड। आई थिंक पहले भी वो मेरे पास आया था और मैंने उसे मेडिसिन रेफर कर दिया था और चेकअप ले लिया था। यहाँ पर इस बार के ए का प्रयोग हुआ है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट। सर अब आप उन्हें मेडिकेशन लिख के दे दीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ और आप उनके दोबारा चेकअप करवा दीजिए। यहाँ पर इस बार के आर का प्रयोग हुआ है, यानी कि रिक्वेस्ट। तीसरा दृश्य, हाई अलर्ट मेडिकेशन की मांग करने जा रही है, आइए देखते हैं क्या होता है। सर हमारे पास एक बहुत इमरजेंसी पेशेंट है जिसके लिए मॉर्फिन की जरूरत है। कितने लोग? हम 0.06 के सर। वो तो कवर में रखी है। ठीक है सर, आप मुझे की दे दीजिए, मैं निकाल दूंगा। नहीं तो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। आप मेरे साथ चल लीजिए, मैं आपको मेडिसिन। ठीक है सर, आप मेरे साथ चल लीजिए। तो ये था हमारा तीसरा गोल, इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। इसमें हमने देखा कि एक स्टूडेंट की ही जिम्मेदारी होती है हाई रिस्क मेडिसिन देखने की। चौथा दृश्य, जिसमें पेशेंट के रॉन्ग लेग की सर्जरी कर दी गई है, आइए देखते हैं क्या होता है। हाय सर, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। अरे उस पेशेंट का क्या हुआ जिसके लेफ्ट लेग की सर्जरी थी? ये क्या कह रहे हो सर आप? हमने तो उसकी राइट लेग की सर्जरी कर दी थी। अरे ये क्या कर दिया? उसके लेफ्ट लेग में कैविटी की प्रॉब्लम थी। तो ये था हमारा फोर्थ गोल, एंश्योर करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर एंड करेक्ट पेशेंट सर्जरी। पांचवा दृश्य। हेलो ब्रदर, आप पेशेंट नंबर 3 का कैनुला चेंज किया? नो सर। फटाफट जाकर उसका कैनुला चेंज करो क्योंकि 3 हिस्से उसके लगा हुआ है। ओके सर। और सुनो। यस सर। और मेडिकल हैंड वॉशिंग करके जाना। ओके सर। पाम टू पाम, बैक टू पाम, इंटरलेसिंग नकल्स, टिप ऑफ फिंगर, थंब रोटेशन एंड रिप द रब द रिस्ट। तो ये था हमारा फिफ्थ गोल, इसमें हमने देखा कि पेशेंट के पास जाने से पहले हमें फुल सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन करनी है। तो हमारा गोल है रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। आइए देखते हैं छठा दृश्य, जिसमें पेशेंट के लेग की सर्जरी हुई है। सर आप यहीं रुकिए, एक मिनट मैं आता हूँ। ओके। मुझे प्यास लग रही है, पानी पी कर आता हूँ। इसमें तो बैठ भी नहीं लगी, मैं खुद ही चले जाता हूँ। कोई है इधर मेरी हेल्प करेगा प्लीज? अरे ये क्या हुआ? मेरे साथ कोई अटेंडेंट नहीं था। नर्स? यस सर। पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट क्यों नहीं है? सर सभी बिजी थे। तुम क्या कर रहे थे? सॉरी सर। पेशेंट का पता तुम्हें गिरने का खतरा है। सॉरी सर। टेक केयर ऑफ हिम। ये था हमारा छठा गोल,
पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल। आज हमने इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स पढ़े जो कि 6 थे। पहला गोल आइडेंटिफाई द पेशेंट करेक्टली। दूसरा इंप्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तीसरा इंप्रूव द सेफ्टी ऑफ हाईलैंड मेडिकेशन। चौथा इंश्योर करेक्ट साइट करेक्ट प्रोसीजर करेक्ट पेशेंट सर्जरी। पांचवा रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इंफेक्शन। सिक्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट फ्रॉम फॉल। आशा करते हैं आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।